बीमारी फैल रही, पेट की तो 99% लोगों का है, और जी दस्तों की, पीलिए की, या प्रत्येक घर में किसी किसी का पास जाएगी आज के दिन। मैं गलत रहेगा जी? आपने गलत नहीं कही, अधिकारी का काम है हमारा, तो हम तो कर्मचारी। नमस्कार, मैं अजय। भाई बचपन में कि काम को नहीं होया करता, तो वो पांच चार भाई बैठ जाया करते, पांच चार बहन भाइया बैठ जाया करते, तो वो क्या करते, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, करने के लिए कुछ है नहीं तो खेलेंगे हम किस तरह का करते वहाँ अंताक्षरी की। उस तरह कहानी बन रही है शहर के अंदर। अब शहर के अंदर एक चीज़ की त्राई माम मात रही है, पानी आवे पीने का आवे, लेकिन पीने का पानी मारा सीवरेज का आवे, बदबूदार आवे। अब वो भगवान जाने वो यहाँ से बदबूदार बन के चाल है, या कितने और जाके वो कितने और घर में जाके मिले है, फिर वो पानी घर में जा है, मालिक जाना है या भगवान जाने, वो जाना अधिकारी। लेकिन मेरे पास कोई काम को नहीं इस गर्मी में, तो मैं डिग गया कि वो व्यवस्था दिखाना गया। और आज की अगर बात करूँ, मेरा पड़ोस में ही सीवरेज का पानी बदबू मारा था, जो आज वो कई दिनों से मारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, और वीडियो साथ में चला भी दूँ मैं, इवन भाई एक मिनट की वीडियो लगाई भी है, तो ये सीवरेज का पानी की बदबू वाह हुआ है कि पानी ना तो पीने के लायक, ना ही वो देखने के लायक, ना ही वो सूंघने के लायक। अगर सूंघ ले तो बदबू तो मर जा, अगर पी ले तो भीतर मर जा। और ये वास्तव इस शहर के लिए, कभी कोई सच में राज्य हो रहा हो इस शहरवासी की, आज के दिन शहर के अंदर अगर बढ़ी हुई है तो दस्त की, पीलिए की और पेट खराब की 80% लोगों का शहर के अंदर ये माहौल है कि बस प्राइवेट हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। गलत तो नहीं कहा जी? हाँ, गलत होने बात सही है, क्योंकि यह वास्तविकता है शहर के लिए। पीलिया, पेट रोग, इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है शहर के अंदर। मेरे दिखने को लग रही, कोई आयुष्मान कार्ड भी इलाज करवाने लग रहा है, कोई क्या बैक करवाने लग रहा है, कोई क्या बैक करवाने लग रहा है, बस यह है कि इलाज होने लग रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा शहर गंदगी भरा पानी पी, सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है। अब मैं डिग्गी पास आ गया, भाई वहाँ पर तो पाइप पानी आवा था, बड़ा बदबू पानी आवे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ महसूस होने हुआ है कि बदबू भी आमती पानी में, या पानी सड़ा पड़ा हो। बस यह है कि जो स्थिति शहर की व्यवस्था डिग्गी की है या वहाँ है, तो जी पानी इस डिग्गी में तो लबालब है, इतना पानी होया करे तो और भी ऊपर होया करे, निशान ऊपर तक का है, लेकिन फिलहाल पानी इतना है। चलो जी, पानी की स्थिति यह है, लेकिन ना तो उरा बदबू, ना ये उरा कि खास बात, ना ही कुछ पानी में सड़ है, लेकिन दुर्भाग्य है जो गला के नलका में पानी आओ बदबूदार आओ। और आज शहर के बस ये है कि प्रत्येक घर के अंदर कोई ना कोई बीमार पड़े है, लेकिन इस बीमारी के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में कोई इस बात को गौर करने वाला नहीं है। लेकिन ये इस शहर के लिए चिंता का विषय बनी हुई कि शहर के जो अंदर घरों के अंदर जो पानी जा रहा, वो जा तो किस तरह का रहा। यहाँ पे कोई बदबू को नहीं, यहाँ पे कुछ को नहीं, यहाँ पे साफ सुथरा पानी दिखाएगा, खुला पानी इसे दिखेगा। लेकिन यह है कि आज घरों के अंदर जा रहा तो जा क्या रहा। अब डिग्गी आगे भी है या भरी पड़ी है, उस साइड अधिकारियों के ऑफिस है, मेरे पास कोई काम नहीं है अंताक्षरी गाने के सिवाय, तो आज अंताक्षरी इसी को पर हो जाए शहर के अंदर, क्योंकि शहर की हवा कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी हो रही है। नेताजी हैं, अधिकारी हैं, दौरे पे हैं, सब काम है, लेकिन धरातल पर कौन दिखा है। तो जी बीच में फोन आ गया था, उठाना जरूरी था। तो अब शहरवासी हैं व गाँववासी हैं, चाहे वो कोई भी वासी हैं, लेकिन वासी तो हैं, जीव हैं, जीवाणु है, सारा सौदा तो जीव है पानी के ऊपर। लेकिन यह है कि बेरा पट्टा को नहीं कि आज कहाँ पे क्या धांधली है, के कमी है, और कहाँ पे कौन ढंग से काम को निकलने लग रहा। लेकिन यह है कि शहर को बस यह है त्राई माम माच रही है, अधिकारी पास जवाब को नहीं, अधिकारी से पूछ लो तो अधिकारी बस पीठ थतवाने से भाई कुछ काम निकलने का काम कर रहे। क्योंकि आज हमारे वार्ड की बात करूँ या किसी और वार्ड की बात करूँ, कहीं रोड जाम किया जा रहा, कहीं कुछ किया जा रहा, कहीं महिला कुछ बोल रही, लेकिन यह है कि एक खास बात है, एक राज्यसभा सांसद है, वो बड़े ही सज्जन पुरुष, वो सिर्फ यह है कि टैंकर आके दान दे जाए। अब यह टैंकरा की व्यवस्था अर्थ बना है, अब पूरा शहर इन टैंकरा पर निर्भर हो रहा है। अब जिसके पास सीधे पैसे मिलाओ, मंगा लो तो बुला लो, ये आ जाते हैं। अब ये फ्री वाले हैं, किस तरह के हैं, अब ये तो ये बताओगे। लेकिन यह है कि अब शहर की जो व्यवस्था चलने आ रही है, टैंकर के ऊपर चलने आ रही है, ये भगवान हो रहे हैं आज के दिन। तो
है और पेंटर इसका है, पेंटर मोर वाल है। अब टैंकर वाले हैं, नमस्ते अपा, टैंकर वाले हैं, टैंकर वाले हैं। तो शहर की व्यवस्था तो भैया संभाल रही है, इस पर निर्भर है पूरा शहर। हाँ, शहर के अंदर पानी की व्यवस्था, तो सीवरेज की आवा, तो सीवरेज की गंदा पानी की आवा, पूरे शहर में समस्या आ रही है। तो जो आप या व्यवस्था बनाओ शहर के लिए, या सरकार की तरफ से है या प्राइवेट है, या किस तरह क्या है? सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से फ्री में जा रहे हैं, फ्री जा रहे हैं। तो लगभग शहर के अंदर कितना रोज लग जाए और कितने टैंकर है? टैंकर जी पब्लिक हेल्थ में चार ठेकेदार है, चार ठेकेदार है। अच्छा जी, बारह ट्रैक्टर है, बारह ट्रैक्टर है। तो ठेकेदार किस चीज के वो? यही है, यही जो भी ऑर्डर करते हैं ठेकेदार के पास करते हैं, फिर हम पानी सप्लाई करते हैं बाहर। अच्छा अच्छा, चैन सिस्टम काम कर रहा है। पहले जो आम आदमी अधिकारी के पास फोन करेगा कि हमें टैंकर चाहिए, अब अधिकारी फिर आपके पास ठेकेदार के पास फोन करेगा कि टैंकर किसका खाली भैया है, ठेकेदार हमको बताएगा, ठेकेदार आपको बताएगा पानी वहाँ गिरा हो भाई। लेकिन यार एक शिकायत सी आपके बारे में बताया जाए कि आपका जो पानी आपके टैंकर है ये इंडस्ट्री एरिया के ज्यादा मूल्य लग रहे हैं? ना ना जी, सुन चर्चा में और आजकल बात किया, या सही बात है गलत बात नहीं? ना, पानी झांसी है, बस ये है कि आज पानी मोल दिया जा रहा है शहर के अंदर, 700 का है, 500 का, 600 का है, नू टैंकर से पांच पीने का पानी अलग, सप्लाई के पानी का कोई प्राइवेट चक्कर नहीं है, यहाँ से कोई भी प्राइवेट टैंकर नहीं निकलता, अफवाह है ये। नहीं सुनने में नहीं आ रहा, मेरे पास फोन आया था किसी बंदे का, उन्होंने कहा था कि इस तरह से टैंकर नू निकला है इंडस्ट्री एरिया के अंदर ज्यादा ज्यादा पूरा है। वो तो फिर इस बात पर चर्चा करना चाहिए, बस यह है कि मेरे पास तो फोन आ गया, तो आप बुझ लिया, कॉमन सी बात है, बात पर तो नहीं, मैं तो फोन आया था, मैं पता कर, मैं तो बात मतलब सवाल करने का है। अब आपने गलत वो उसकी बात गलत है, अगर वो सही होता तो आप गलत होते नहीं, उसके पास कोई प्रूफ होता फिर वो सही है, फिर हम बोल सकते हैं भाई ये जा रहे हैं। तो लगभग शहर में आज भगवान ये बन रहे, टैंकर वाले बन रहे हैं, पानी की बहुत ज्यादा समस्या। तो आप रोटी वोटी खा ली, आराम करो, टैंकर भर रहा है ना अपना। अब ये टैंकर कितने दिन भर जाए है? ये 8 मिनट में भर गया, 8 मिनट भर जाएगा। अच्छा, इसमें कितना पानी आवा है? इसमें आ रहा 5.5 लीटर, 5.5 लीटर पानी आ रहा है, 5000 का कोई, 5.5 हजार। यो गलिया में जागा है, कहाँ जागा टंकरी हो? ये जागा बैंक कॉलोनी में, बैंक कॉलोनी में, क्योंकि वहाँ पे भी तरह इमाम तरह हो रही है, गली के लिए जागा कैसे है? गलियों में जागा, गलियों में जागा। आप कर्मचारी दो टंकर वाले दो, हाँ नाटक है, खम खम है, कमा के खा है ना, कि चोरी चोरी करे है टंकर को सामना असला। यो वीडियो लगावा आप कितके हैं? हाँ जोड़ी का है, तो सही काम मिल रहा है, चलो पंखा तो तेरे में मिल जाए है, मिल जाए है। ठेकेदार कौन है तेरा? दीपक। किसका ठेकेदार? दीपक। आपका आपका ठेकेदार कौन है? आपका सचिन सैनी है। तो जी यहाँ पानी की व्यवस्था है अभी शहर के लिए, यो है 8 मिनट में भरेगा और इसके बाद पांच नंबर लगा। अच्छा आप आके जाओ, मैं चक्कर लेके, अरे चक्कर लगा के पूछ जाएगा। चलो भैया यह व्यवस्था जी, अब आगे अधिकारी पाऊंगा तो अधिकारी से बात जरूर करने की कोशिश करूंगा कि सर क्या टैंकरों के ऊपर शहर की व्यवस्था चलेगी या वास्तविकता में जो आपकी। नमस्ते, मैं के बोलूं जो कि थो सब इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, सारा सौदा है, शहर में पानी की व्यवस्था यह है, बस सीवरेज का है गंदा हुआ, बीमारी फैल रही है शहर में। भारत नगर में भी मेरी भाभी का फोन आया था, एप्लीकेशन लगा दी है, यही तो बात कर ली, और टोल फ्री नंबर है इसका, फोन जो बिल नहीं आवा है उस तक बात कर ली, लेकिन सुनवाई कौन नहीं हुई। सुनवाई क्या की कौन हो? पानी पुनी की ये क्या है, हम टंकी फ्री बाटा हाँ सब में सैकड़ों टंकर जहाँ हटते। आपका कोई जानकार हो MC है, दो चक्कर मारेंगे। अच्छा यही तो वो MC यही तो फोन करेगा, यानी उरे भी नमस्ते सुश्री आड़ा रही है, पानी के ऊपर भी नमस्ते हो रही शहर में, पानी के ऊपर विशाल में नमस्ते ला रही है। तो या तो पानी के ऊपर की राजनीति है, अब कौन नमस्ते करे है, किस तरह नमस्ते करे है, बेरा एक होने बीमारी फैल रही पेट की तो 99% लोगों का है, और जी दस्तों की पीलिए की या प्रत्येक घर में किसी किसी पा जाएगी दिन। मैं गलत रहेगा जी? आपने गलत नहीं कही, अधिकारी का काम है हमारा, तो हम तो कर्मचारी, आपा तो कर्मचारी, आपा तो के काज का है, आपा तो देख देख आवाज नहीं उठाओगे तो बात नहीं बनेगी, ना तो मैं डरूं ना आप डरो। तो आपका क्या नाम बताएं? रमेश परमार साहब, आपका क्या कर रहे हैं? पानी का जो बिल सीवर के पानी का बिल भरा कर। ओहो बिल देना हुआ जो तो घसाघस बिल की पर्ची पाट दे हो, जब पानी देने की व्यवस्था होना जब हमको बोल पाओ है, परमार साहब यह बात हो रही है? बिल्कुल यह बात हो रही है, बिल तो लेना होना है तो पर्ची नु पाड़ा है सपा सप। आप इधर से जाओगे ना? हाँ पूरा भ्रष्टाचार कर लगा। अच्छा परमार साहब दिखा गया वहाँ भ्रष्टाचार, तो क्योंकि काम में दिखाने का भ्रष्टाचार है। यहाँ से जाओगे ना ये ऐसे हाँ नुमड़ के जाना
सचिन जी हाँ पूरा ऑफिस है। अच्छा मल्होत्रा अपना सुपरिटेंडेंट ऑफ पूरा वाटर। अच्छा अच्छा चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत परमा साहब। तो जी अब आगे जाऊंगा अधिकारी से बात करने की कोशिश करूंगा, बीच में डिग्गी और आऊंगी है, नंबर दूंगा एक कार्ड भी दे। लो जी अब नीचा आ गया, अभी दूसरा टैंक और दिखाने का था जो मैंने दिखाना चाहिए था। अब इस तरह पुरानी पुरानी डिग्गी हुआ करती अंग्रेजों के जमाना की, वो चालू हैं या बंद होगी, लेकिन यह है कि आज डिग्गी पुरानी डिग्गिया का यो हाल है। अब ये चालू में है, स्थिति में है, पानी आवे है नहीं आवे बेरा पानी, लेकिन उड़े तो यो जाम गया कि जब मैं कमल कमल के फूल जाम गई, घास फूस जाम गया, यानी यह है कि जामता नहीं आदमी डर है। अच्छा उड़े मच्छी पकड़ने आदमी खड़े है भाई, बाकी सपा सटो डिग गया तो घूमता 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 अड़न आ गया। उड़े जी आपका अध्यक्ष साहब बैठे हैं, मल्होत्रा जी हैं, और यहाँ पे सब डिवीजन इंजीनियर हैं जी, जय साहब यहाँ पे विराजमान होते हैं तो शहर की व्यवस्था देखे देखते हैं। सर नमस्ते, तो मेरा सौभाग्य है कपिल सोरण जी, कैसे हैं सर? बढ़िया जी। हाँ 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 ले भाई सर, पानी की व्यवस्था क्या मानते हैं आपके शहर के अंदर, आपके डिवीजन के अंदर? देखो पानी की इस टाइम पे तो ठीक चल रही है, गर्मी का अभी आने वाली गर्मी उस टाइम पे हम थोड़ा और बढ़ा देंगे पानी, अगर हम पीछे से नहरों से पानी पूरा मिल गया तो पूरा पानी। लेकिन जैसा अगर यहाँ की बात करूँ वर्तमान की, तो यहाँ पे टैंकर के जो टैंक बड़े नए वो खाली है, बाकी जो डिग्गियाँ हैं वो डैमेज है या ये पानी के अंदर व्यवस्था है? दो टैंक हमारे नए बने हैं, उसमें एक टैंक हमने भर के चालू कर दिया है, दूसरे में कुछ पानी डाला था लेकिन पूरा नहीं भरा है, क्योंकि इस बार आपको पता कि चांद दीवारी आई उस टाइम लाइट के कट काफी लग गई जिस कारण पूरा नहीं भर पाए। अभी 22 तारीख को आके नहर फिर आ जाएगी, इस बार इनको पूरा भर दिया जाएगा। जैसे बाकी जो टैंक है उनको रिपेयर के लिए हमने अमृत टू में एस्टिमेट भी ले रहे हैं। अच्छा जो बस ये इसमें चालू में है? हमारी तरफ से पानी बिल्कुल साफ दिया जा रहा है, लेकिन जब जैसे ही हमारे गलियों में पानी जाता है, लोगों के कनेक्शन होते हैं पुराने वो गल जाते हैं, या नालियों में से कनेक्शन ले रखा है, सीवर में से कनेक्शन ले रहा है, उसकी एक कनेक्शन की वजह से पूरा एरिया सफर करता है, और वो कनेक्शन जमीन के अंदर है उसको ढूंढने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। जब भी हमारे पास कंप्लेंट आती है हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, प्लीज जरूर कैसे देखो ये दिखा, अगर कैमरा में दिखा पाए, ये किसी का कनेक्शन है बिल्कुल नाली के अंदर है, जीआई का पाइप है, साल में दो साल में पांच साल में खराब हो गड़ेगा, ये नाली का पानी सारा लाइन के अंदर जाएगा, क्या ये विभाग की गलती है? विभाग की गलती, ये जिसका कनेक्शन है उसको अपना ठीक कराना चाहिए, नाली से बाहर लेना चाहिए। इस तरह की सैकड़ों कनेक्शन है हर एक गली में, आप एक बार दिखाओ, हर एक गली में इस तरह के कनेक्शन मिलते हैं। तो ये जो जिन लोगों के ये कनेक्शन है उनको अपने कनेक्शन नालियों से बाहर करके, अब ये कनेक्शन क्या है, अब ये कनेक्शन देखिए, यहाँ से किसी ने ऊपर से बंद कर दिया लेकिन नीचे लाइन से कनेक्ट है, जीआई का पाइप है, साल में दो साल में गल जाएगा पानी सारा नाली का। तो कह सकते हैं कि जो आज जो लोग हैं वो खुद गुनेगार है, खुद की गलती वजह से। हम अपना पानी देखो वाटर वर्क्स पे हमारा पानी साफ है, हम टेस्टिंग करते हैं, बूस्टर पे पानी साफ है, क्लोरीन मिक्स करके देते हैं, लेकिन जब गलियों में इस तरह के कनेक्शन नालियों में से कनेक्शन होंगे तो उनकी वजह से गंदा पानी होता है, जिसको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। देखिए सर जो ये समस्या है जो आगे कैसे इसे निजात मिल पाएगी, क्योंकि आप जो कनेक्शन सीवरेज में ज्यादा मिले हुए सर क्या मानते हैं तो बताएं, आप इंजीनियर हैं, ढूंढ के इनको काटेंगे। अभी हम कुछ ट्रायल कर रहे हैं कि कैमरा टाइप का बनवाने लग रहे हैं जिससे लाइन के अंदर ज्यादा कटने लगाने पड़ेंगे और थोड़ा जल्दी इसका फॉल्ट मिल जाएगा, कैमरा लाइन के अंदर डालेंगे उससे 100-200 फुट का हमें विजन दिख जाएगा। तो सर को कब तक सर शुद्ध पानी मिलने की मिल पाएगा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी इसका सारा समाधान कर दिया जाएगा। चलो जी कर दिया जाएगा। अब सवाल भी पूछे तो वास्तवता बात है, उन्होंने फोटो दिखाए जो लोग गुनेगार हैं, सारा लोग खुटा हुआ है कि बिल्लू आदमी खुटा उसका है, तो आप लोगों से विनती है इस तरह के जो आप जीआई पाइप लोग पाइप जो लगा रखे उन्होंने अपने कनेक्शन लगा रखे हैं वो कनेक्शन काटने का काम करो, और सीवरेज व्यवस्था बनी है उसको आप बंद करने का काम करो, क्योंकि हर जगह अधिकारी हर जगह कर्मचारी वो नहीं होते, लेकिन बस यह है कि शहर पूरा भुगत रहा तो गंदे पानी की मार को भुगत रहा इस भीषण गर्मी के अंदर, और गर्मी के पड़ी तो राम राज्य रहे हैं, कहते बूंदाबांदी आ जाएगा, देखिए आ जाएगा, देखिए आ जाए, गलिया में इतने रौनक रहे हैं पानी भरेगी, लेकिन यह है कि शहर के अंदर जो व्यवस्था है वो पानी की हो चाहे सीवरेज की हो डैमेज की डैमेज देखी जा सकता है। जे एन सी नोशिया अजय नायक दिनेश देवसरगिया खास रिपोर्ट।